हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लाई हूं उसका टाइटल है जादुई शीशा। ये कहानी जादू की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, एक ठंडा नगर था। वहां 12 महीने बर्फ गिरती, इस तरह वहां ठंड भी खूब पड़ती थी। उस राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका महल एक पुराने किले पर बना था। उस राजा की रानी भी बेहद खूबसूरत थी। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार भी करता था, लेकिन रानी के कोई औलाद न होने के कारण वो हमेशा गुमसुम रहती थी। रात दिन बस यही गम उसे खाए जा रहा था। सारा दिन रानी महल की खिड़की पर उदास बैठी रहती और अपना समय गुजारने के लिए किसी न किसी काम में लगी रहती थी। इस प्रकार उसका समय कट जाता था। पर जब सर्दियां आती थीं, तो रानी का मन और भी उदास हो जाता, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बर्फ इतनी गिरती थी कि पूरा मैदान, वृक्ष, जितनी भी चीजें होती थीं, वे सब सफेद ही सफेद नजर आती थीं। बाहर बर्फ के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। रानी महल की खिड़की पर उदास बैठी रहती और बर्फ की गिरती बूंदों को घूरती रहती। एक दिन की बात है, रानी ऐसे ही खिड़की पर बैठी थी। तभी भगवान को उस पर कुछ दया आ गई और उसके बाद रानी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी। बच्ची के होने से राजा रानी बहुत खुश थे। उन्होंने प्यार से उसका नाम रोजी रखा था। वह बच्ची थी भी बड़ी सुंदर। अभी रोजी कुछ बड़ी हुई ही थी कि रानी बहुत बीमार हो गई और उस बीमारी के कारण रानी गुजर गई। रानी के गुजरने के बाद रोजी एकदम अकेली रह गई। रोजी इतनी छोटी थी कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी मां की बहुत याद आती और वो बहुत रोने लगती थी। राजा जब रोजी को रोते देखता तो उसे बहुत दुख होता था, इसीलिए उसने दूसरे विवाह का निश्चय किया। कुछ समय के पश्चात राजा ने दूसरा विवाह भी कर लिया ताकि रोजी को मां का प्यार मिल सके। राजा की दूसरी रानी बहुत सुंदर थी। उसके जैसी नारी पूरे देश में नहीं थी। रानी को अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत था, परंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। उस रानी के पास एक जादुई शीशा था। लोग तो उसे जादूगरनी भी कहते थे। उस शीशे को रानी बहुत संभाल कर रखती। उसी के द्वारा रानी कितनी ही बातें जान लेती थी। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले रानी शीशे में देखती और उस शीशे से पूछती कि शीशे शीशे बता, इस देश में सबसे ज्यादा सुंदर नारी कौन है। शीशा रानी को जवाब देता कि रानी, इस पूरे देश में तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। यह सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मनी मन गर्व करती। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है, सुबह सवेरे रानी शीशे में अपना मुंह देखकर रोज की तरह उस शीशे से पूछ बैठी कि शीशे शीशे बता, इस देश में मुझसे ज्यादा कोई नारी है या नहीं। शीशे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर रानी सन्न रह गई। इस देश में सबसे सुंदर लड़की रोजी ही है। यह सुनते ही रानी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह आग बबूला होने लगी। रानी ने सोचा कि मैं रोजी को यहां से बहुत दूर भिजवा दूंगी, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगी, और फिर इस देश में मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा। रानी ने तुरंत एक सेवक को अपने कक्ष में बुलवाया। यह उसका भरोसे का नौकर था। रानी ने नौकर को अपने कमरे में ले जाकर कहा, तुम मेरा एक जरूरी काम करोगे। हुक्म दीजिए रानी, वह नौकर बोला। तुम इस रोजी की बच्ची को कहीं दूर ले जाकर छोड़ाओ। इसे ऐसी जगह छोड़ना कि ये कभी भी लौटकर वापस ना आ सके, और ये काम आज ही होना चाहिए। इतना कहकर रानी ने उस नौकर को सोने की मोहरों की एक थैली पकड़ा दी। सेवक रानी की बात समझ गया था, लेकिन इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची को मार देना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। सेवक ने रोजी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और उसने रोजी को सारी बातें बता दी
और फिर कहा कि जाओ राजकुमारी, जंगल में भाग जाओ और फिर कभी महल में लौट कर नहीं आना। उसकी बात सुनकर रोजी रोने लगी, मगर वो करती भी क्या और वो नौकर भी क्या करता, उसे तो उसे छोड़कर वापस आना ही था। नौकर ने महल में आकर रानी को बताया कि मैंने जंगल में रोजी को जान से मार डाला है। नौकर की बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई, अब उसे लगा कि मुसीबत से पीछा छूट गया। उधर जंगल में रोजी इधर उधर भटक रही थी। वह इतनी सुंदर और इतनी पवित्र थी कि किसी भी जानवर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल में भी वह सुरक्षित रही। एकाएक रोजी की नजर सामने बने एक घर पर पड़ी। रोजी ने अंदर झांक कर देखा तो वह देखती रह गई, वहां कोई था नहीं, परंतु पूरा घर एकदम खाली और सभी चीजें बड़े कायदे से सजी हुई थी। वह चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई। कमरे में सभी चीजें बहुत छोटी छोटी थी। कमरे के बीच में एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी और उसके आसपास सात छोटी छोटी कुर्सियां भी थी। टेबल पर सात छोटी छोटी प्लेटें, गिलास, चम्मच सब सजे हुए थे। हर ग्लास में दूध भरा था। प्लेटों के अंदर खाने पीने की चीजें भी थी। रोजी को बहुत जोर से भूख लगी थी, तभी उसकी नजर कोने में पड़ी जहां उसने देखा कि लाइन से छोटे छोटे सात बिस्तर लगे हुए हैं। इस घर में हर चीज बहुत छोटी है और संख्या में सात, यह देखकर रोजी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। खैर, रोजी को तो भूख लगी थी, उसने समय न बर्बाद करते हुए सारी प्लेटों में से थोड़ा थोड़ा खाना और कुछ ग्लासों में से थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया और उसके बाद एक बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गई और उसे गहरी नींद भी आ गई। यह घर सात बौनों का था। सात बौने एक साथ ही यहां रहा करते थे। पास एक पहाड़ था, वहां बौने जाकर सोने की खान में काम करते थे। जब शाम हुई तो सातों बौने घर वापस लौटे। इस समय वह काफी थके हुए थे। वह जल्दी जल्दी खा पीकर सोना चाहते थे, परंतु अंदर आकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई। जब उन्हें पता चला कि किसी ने उनकी प्लेटों और तश्तरियों में से कुछ खाया है और छेड़छाड़ की है, तो पहला बौना बोला, मुझे लगता है कि मेरी कुर्सी पर आकर कोई बैठा था। दूसरा बोला, मेरा बिस्किट किसने खाया है, ये तो आधा रह गया। तीसरा बोला, मैं भी अपनी रोटी पूरी छोड़कर गया था, किसी ने आधी खाई है। चौथा बोला, मेरा चम्मच तो बिल्कुल साफ था, किसी ने जूठा करके रख दिया। पांचवा बोला, मेरा मुरब्बा भी किसी ने चाटा है, देखो उंगलियों के निशान है। छठा और सातवां भी इसी प्रकार अपनी प्लेटों और ग्लास को देखकर बोला। तभी उनकी नजर अपने बिस्तर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक पलंग पर एक बहुत सुंदर सी लड़की सो रही है। पहला बौना आश्चर्य करके बोला, अरे ये देखो कितनी सुंदर लड़की सो रही है। दूसरा बोला, अरे जरा यहां आकर तो देखो, इसके बाल कितने सुंदर हैं, देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, देखो इसका रंग कितना सुंदर है, यह तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही है। सभी बौने एक एक करके उस लड़की के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि लड़की कहां से आई है, अब इसे सोने दिया जाए, जब ये जाग जाएगी तब इससे पूछेंगे। उन्होंने रोजी को कंबल में लपेटकर सोने दिया और उसकी प्रतीक्षा में बैठ गए। सभी बौने सोने की तैयारी करने लगे। उनमें से एक बौने का बिस्तर नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश था कि उसकी बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की सो रही है। वो बौना दूसरे के साथ उसी के बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही सुबह हुई, रोजी जाग गई। नींद में वह भूल चुकी थी कि इस समय वह अपने महल में नहीं है। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि वह एक घने जंगल में है। आंख खुलते ही उसकी नजर सात बौनों पर पड़ी। वह उसके आसपास ही बैठे थे और उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर वे सातों बौने मुस्कुरा दिए। वह लड़की उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उनमें से एक बौने ने पूछा कि अरे खूबसूरत लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो। यह सुनते ही रोजी तो रोने लगी। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उन बौनों को सुना दी। उसकी कहानी सुनकर
बोनो को बहुत दुख हुआ और उन्होंने रोजी को सांत्वना दी। एक बोना बोला, वह रानी बड़ी दुष्ट है, इतनी सुंदर बच्ची को इस प्रकार छुड़वा दिया। दूसरा बोना बोला, अब तुम उस दुष्ट रानी के पास कभी लौट कर मत जाना। तीसरे ने कहा, अब तुम हमारे साथ ही रहना, हम मजे करेंगे। चौथा बोला, क्यों ठीक है ना, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी ना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी, रोजी बोली। यह तो बहुत अच्छी बात है। एक बौना बोला, मैं यहीं रहकर आपके घर का सारा कामकाज कर दिया करूंगी, वह बोली। फिर वह सुबह सवेरे जल्दी उठती, तैयार हो जाती और सभी बौनों के लिए नाश्ता तैयार करती। सभी बौनों ने मेज पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। फिर वे लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर पहाड़ी की ओर चल दिए। जाने से पहले उन्होंने रोजी को हिदायत दी, देखो तुम जरा होशियार रहना, बाहर बिल्कुल मत जाना। रोजी सारा काम करके एक तरफ बैठ गई। बैठे बैठे वह सोचने लगी कि क्या मुझे जिंदगी भर इन्हीं बौनों के साथ रहना पड़ेगा। अगर ये लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे और मैं भी यहां परेशान नहीं होंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी। तभी रोजी की नजर एक तितली पर पड़ी। वो जमीन पर बैठी शहद का मजा ले रही थी। रोजी ने भागकर उस तितली को पकड़ना चाहा, मगर वह तितली उड़ गई और बोली, मुझे मत पकड़ो रोजी, मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। रोजी आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस तितली को देखा तो देखती ही रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि यह तितली का रहस्य क्या है। वो तितली देखते ही देखते एक परी में बदल गई और रोजी को देखते हुए मुस्कुराने लगी। मैं जानती हूं तुम्हारा नाम रोजी है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो, रोजी ने आश्चर्यपूर्वक पलके झपकाते हुए पूछा। मैं परी हूं ना, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूं, परी ने मुस्कुराते हुए बताया। फिर तो तुम भविष्य के बारे में सब कुछ जानती होगी, उसने हैरानी से पूछा। परी बोली, हां क्यों नहीं, बिल्कुल जानती हूं। तो फिर मेरा भविष्य बताइए ना। बताती हूं, बिल्कुल बताती हूं, परी बोली कि कुछ समय के बाद यहां एक राजकुमार आएगा और वो तुम्हें अपने साथ विवाह करके ले जाएगा। यह सुनकर रोजी बहुत खुश हो गई। परी ने रोजी से कहा, ये लो अंगूठी, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या जरूरत पड़े तो इसे पहन लेना, मैं आ जाऊंगी। रोजी ने वह अंगूठी ले ली और बोली, शुक्रिया परी जी। फिर परी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रोजी परी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर के बाद रोजी खिड़की में जाकर बैठ गई। उसने देखा कि वहां एक बुढ़िया सेब बेच रही है। उस बुढ़िया ने रोजी को देखकर नीचे आने का इशारा किया। रोजी नीचे चली गई। बुढ़िया बड़े प्यार से सेब देते हुए बोली, लो बेटी ये सेब मेरे सामने ही खा लो। रोजी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन अम्मा मैं यह सेब कैसे खाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। पर बुढ़िया बोली कि तुमसे पैसे किसने मांगे, तुम ऐसे ही सेब खा लो। रोजी ने जैसे ही सेब का टुकड़ा काट कर अपने मुंह में रखा, वह बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और फिर हंसते हंसते वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। रोजी यह देखकर चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा कि तुम यहां कैसे आ गई और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं। वो बुढ़िया कोई और नहीं, रानी थी। रानी बोली कि मैंने अपने शीशे से पूछा था, उसी ने बताया कि तुम यहां पर हो, उसी ने तुम्हें मुझे पहचानने में देर नहीं करवाई। रोजी इतना सुनते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसे कोई सुध ना रही। वह बुढ़िया खुश होती हुई अपने महल की ओर लौट गई। वह बुढ़िया रूप बदलकर रानी के रूप में महल में दाखिल हुई। शाम को जब सातों बौने घर पहुंचे और उन्होंने रोजी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। एक बौने ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़कर देखी, अरे ये तो मर गई। सातों बौने यह देखकर रोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे एक ताबूत में रखा और ताबूत जंगल में छोड़कर अपने घर वापस आ गए। उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार करने आया था। उसने देखा कि एक ताबूत जंगल में रखा है। वो उस ताबूत को देखकर घबरा गया और वापस महल लौट आया। तभी उस ताबूत के पास वही परी आई जो रोजी से तितली बनकर मिली थी। उस परी ने ताबूत खोला और एक शरबत पिलाकर रोजी को
फिर से जीवित कर दिया। कुछ देर के पश्चात ही रोजी ने आंखें खोली तो सामने उस परी को खड़ा पाया। रोजी ने परी से पूछा कि मैं यहां पर कैसे आ गई, परी जी मुझे क्या हो गया था। तब परी ने बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें जहरीला सेब खिला दिया था, मगर अब उस सेब के जहर का असर खत्म हो चुका है, पर अब मैं जा रही हूँ। फिर वह परी चली गई। पर राजकुमार, जो उस ताबूत को देखकर हैरानी में था, उसे वो ताबूत बार बार याद आने लगा। राजकुमार उस ताबूत की तरफ से काफी बेचैन था। वह फिर उसी ताबूत की तरफ जंगल में चल दिया। उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। जब राजकुमार उस ताबूत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ताबूत पर बैठी है। राजकुमार उस लड़की के पास पहुंचा और बोला कि तुम कौन हो। तब रोजी ने रोते रोते सारी बात राजकुमार को बता दी। उसकी पूरी बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रोजी, क्या तुम तैयार हो। रोजी ने सहमति में सिर हिला दिया। उसकी सहमति पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसे अपने राजमहल ले जाकर शादी कर ली। उधर सौतेली माँ जब शीशे के सामने बैठी और पूछने लगी कि शीशे शीशे बता, सबसे सुंदर नारी कौन है, तो शीशे ने फिर वही जवाब दिया कि रोजी ही सबसे सुंदर है। यह सुनकर सौतेली माँ ने शीशे को तोड़ दिया और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। तो बच्चों, ये कहानी थी उस जादुई शीशे की, जिसमें देखकर रानी अलग अलग तरीके के प्रपंच किया करती थी, अलग अलग तरकीबें निकालती थी, जिससे वो संसार की सबसे सुंदर महिला बनी रहे। परंतु अंत में उस शीशे के तिलस्म के कारण ही रानी अपनी जान से हाथ धो बैठी। ओके, बाय।